नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को मोटिवेट करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ताकि यशोदा माँ के कन्हैया के दरबार में आपकी हाजिरी जरूर लग जाए। दोस्तों, श्री कृष्ण के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज का ये टॉपिक आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि घर में जब हम रोटी बनाते हैं तो उस पहली रोटी पर किसका अधिकार है। दोस्तों, कहा जाता है कि गाय की पहली रोटी होती है। आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि गाय को कौन सी रोटी खिलानी चाहिए और कब खिलानी चाहिए, और अगर हर रोज खिलानी है तो कौन सी रोटी कैसे खिलानी चाहिए, सूखी रोटी खिलानी चाहिए या नहीं, या उसके साथ में क्या खिलाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने की एक पूरी विधि होती है, क्योंकि उसके जबरदस्त फायदों के साथ में पुण्य तो मिलता ही है और तमाम खुशियां भी मिलती हैं, खुशहाली मिलती है। दोस्तों, तो गाय को रोटी खिलाने से लेकर जितनी भी सारी जानकारी है वो मैं आपको देने वाली हूँ। जितने भी मन में प्रश्न है कि कब, कैसे, कितनी और किस प्रकार से गाय को रोटी खिलानी चाहिए, वो सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी गाय को सूखी और बासी रोटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कई लोग हर रात की बची हुई बासी रोटी गाय को खिला देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो ऐसे लोग सुबह सैर करने के लिए जाते वक्त बासी रोटी ले जाते हैं और गाय को खिला देते हैं। ऐसा करना अशुभ होता है। दोस्तों, गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसीलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी रखकर खिलाएं, तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है, तो ऐसे में आप हर रोज गाय को पहली रोटी खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय तक कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं, गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, पैरों को छुएं, तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि बासी रोटी खिलाना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, वो गलत है। बासी रोटी खिलाने से नुकसान बताया गया है। दोस्तों, गाय को ताजी रोटी खिलानी चाहिए। इसके अलावा दरवाजे पर यदि कोई गाय आ जाती है, तो गाय को रोटी या गुड़ देकर ही विदा करना चाहिए। गाय को भूखे प्यासे कभी भी जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि धरती पर मौजूद किसी भी भूखे प्यासे प्राणी को भोजन या पानी देना ये धर्म भी है, और ये बहुत ज्यादा पुण्य माना गया है। हालांकि गाय को भोजन कराने के साथ साथ और भी कई ज्यादा लाभ मिलते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माता का दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि 33 कोटि देवी देवता जो हैं, वो गाय के भीतर वास करते हैं, जिनका मतलब है कि आप गाय को रोटी खिलाकर 33 कोटि देवी देवताओं को भोजन करवा देते हैं। शास्त्रों की ऐसी मान्यताएं हैं। दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने से घर में से कई दुख दर्द दूर होते हैं और घर में समृद्धि आती है। आपके घर लक्ष्मी का वास रहता है, अन्न भंडार भरे रहते हैं, आपको घर में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। गाय को रोटी खिलाने के आपको जबरदस्त फायदे मिलते हैं, लेकिन उसकी विधि अगर हम सही करते हैं तो उसके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो इनको हमेशा पहली रोटी ही खिलानी चाहिए, क्योंकि गाय को हमेशा पहली रोटी खिलाने का ही शास्त्रों में विधान बताया गया है। उसका उत्तर लाभ प्राप्त करने के लिए अगर आप रोटी में घी और गुड़ लगाकर गाय को खिलाएं, तो धन में बरकत होती है। यदि इस प्रकार से आप गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय को रोजाना रोटी खिलाने वाला व्यक्ति जो होता है, वो मौजूदा पीढ़ियों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पुण्य प्राप्त करता है, और ऐसा करने से उस व्यक्ति के जीवन में से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। कोशिश करें कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसे आप बैठा लें,
क्योंकि बैठी हुई गाय को रोटी खिलाने से ज्यादा लाभ मिलता है। और हाँ, कभी भी भूल कर सूखी या बासी रोटी गाय को नहीं खिलानी चाहिए, इसका दुष्परिणाम हमें मिलता है। गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से जरूरी काम पूरे होते हैं। इतना ही नहीं, आपके बिगड़े हुए कई काम पूरे होते हैं। और इस बात का हमेशा खास ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी ना खिलाएं। दरवाजे पर आई हुई गाय को भूखे प्यासे ना जाने दें। दरवाजे पर आने वाले कोई भी गाय या कोई भी चीज है तो उसको कभी भी भूखा मत जाने दें। अगर हम किसी भूखे जीव को खाना खिलाते हैं तो ऐसा करने से हमारे घर के सभी दोष क्लेश दूर होते हैं। अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं तो आप दोपहर के समय बनने वाली रोटी की पहली रोटी गाय को जरूर खिलाएं। कोशिश करें कि दोपहर के खाने से पहले ही आप रोटी उठाकर गाय को डाल कर आएं, फिर खाना खाएं। तो निश्चित रूप से आपके घर में शांति होगी, खुशियां आपके घर में लौट आएंगी। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप गाय के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो, क्योंकि गाय का शास्त्रों में बड़ा विस्तृत वर्णन है। गाय को पंचगव्य माना गया है। आयुर्वेद कहते हैं कि गाय 5 प्रकार के तत्व देती है जिससे हमारा मानव शरीर स्वस्थ रहता है। क्योंकि गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, गाय के दूध से, गाय के घी से, गाय के दही से, ये 5 प्रकार का गव्य माना गया है। यानी ये 5 प्रकार ऐसे अमृत हैं जो गाय माता हमें देती है, तो वो हमारे जीवन में बहुत सार्थक है, उनका अपना मूल्य है। गौमूत्र का सेवन करने से अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। स्किन की कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा असाध्य रोग है, तो उसमें आप गौमूत्र का सेवन करके अपनी स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। पुराने समय में घर में गोबर से चौका लगाया जाता था, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया जो होते थे वो मर जाते थे। दोस्तों, दूध, घी और दही, इनका तो क्या कहना। आप सभी जानते ही हैं कि मनुष्य शरीर के लिए ये कितने हष्ट पुष्ट होते हैं। आयुर्वेद में भी इनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, गाय जो है हमारे लिए बहुमुखी उपयोगी एक ऐसा जीव है जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इसीलिए गाय को पहली रोटी जरूर खिलानी चाहिए। गाय को हमेशा ताजी रोटी खिलानी चाहिए। कभी भी गाय को बासी रोटी मत खिलाना। बासी रोटी किसको खिलानी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो मानव जीव, यानी जो जीव मानव के साथ छोटी छोटी योनियों में जुड़े हुए हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब का अपना अपना स्थान है। कौवे को खाना खिलाना, कुत्ते को खाना खिलाना, तो इस प्रकार से सभी जीवों के प्रति हमारे शास्त्रों ने दिशाएं बताई हुई हैं कि किस तरह से आप उनका ध्यान रख सकते हैं, उनको आप खाना खिला सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।